स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट आज मैं आपको स्टैंडर्ड सेकंड ग्रामर का चैप्टर नंबर 33 कराने जा रही हूँ जो कि है स्पेलिंग्स। ओके तो आज हम देखेंगे स्पेलिंग्स। कुछ स्पेलिंग्स यहाँ पर रॉन्ग दी है कुछ और एक उसमें से राइट दी है तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और सर्कल करना है। तो बहुत ही ईजी है ये टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग्स। ओके तो फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट? लायन। ओके आपको पता है लायन की स्पेलिंग होती है LION। तो यहाँ पे देखिए LION, LIONE, LOINE। तो इसमें आपको एक करेक्ट है दैट इज LION। तो इसे हम सर्कल करेंगे। ये फर्स्ट आपको करके दिया था, सेकेंड हमको करना है। देखिए पिक्चर पहले देख लीजिए क्या है। बलून। तो बलून की स्पेलिंग क्या होती है? BALLON या फिर BALLON या फिर BALLON। तो यस बलून BALLON बॉल और ऊन ऐसे याद रखिए BALL बॉल OON ऊन बलून। ओके सो बलून। फिर ये है फ्रेंड्स। ओके तो FREENDS है, FREINDS है और FRIENDS है। तो यस फ्रेंड्स, जैसे कि FRI फ्राई, ENDS ends, तो हो गया फ्रेंड्स। ये दिख रहा है आपको स्ट्रांग मैन दिख रहा है। तो स्ट्रांग, स्ट्रांग की स्पेलिंग होती है STRONG। STORNG रॉन्ग है, STRONGE भी रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या है? STRONG। तो इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बिल्डिंग। ओके तो बिल्डिंग की राइट स्पेलिंग है BULD बिल्ड, ING बिल्डिंग, BULD बिल्ड, ING बिल्डिंग। यहाँ पे BILDING दिया है जो कि रॉन्ग है, BULDING ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट होगा बिल्डिंग। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं। मेक करेक्ट वर्ड पेयर्स, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग एंड राइट द वर्ड पेयर्स इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले करेक्ट पेयर में से कुछ पेयर्स दिए हैं, कुछ जोड़ियाँ दी हैं, उसमें से करेक्ट पेयर को सर्कल करना है। फिर चूज़ द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको चूज़ करना है और फिर उसे लिखना है वर्ड पेयर में। ओके तो बताती हूँ कैसे। जैसे कि फर्स्ट आपको करके दिया है ब्रेड एंड बटर। बटर दो स्पेलिंग है, देखिए स्लैश किया है ना, इसे हम स्लैश कहते हैं। मीन्स ये दोनों ऑप्शन रहेगा, दोनों में से करेक्ट क्या है? BUTTER बटर। तो फिर आपको यहाँ पे साथ में लिखना है आंसर के, मीन्स ब्रेड एंड बटर। ओके नेक्स्ट है बो एंड एरो। एरो की राइट स्पेलिंग है ARROW। अब यहाँ पे पूरा करेक्ट लिखना है, बो एंड एरो। नेक्स्ट है सॉल्ट एंड पेपर। तो सॉल्ट पेपर की स्पेलिंग होती है PEPPER। ओके पेपर, तो सॉल्ट एंड पेपर। नेक्स्ट शूज एंड सॉक्स। सॉक्स की राइट स्पेलिंग है SOCKS। तो शूज एंड सॉक्स। कप एंड सॉसर। ओके ये सॉसर राइट है SAUCER, यहाँ पे लिखना है कप एंड सॉसर। लास्ट है फोक एंड नाइफ। नाइफ की करेक्ट स्पेलिंग KNIFE, NIFE रॉन्ग है। तो जो राइट है उसे सर्कल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फोक एंड नाइफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 33 बस इतना ही था, आपको करेक्ट स्पेलिंग आइडेंटिफाई करना था। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।